नमस्कार दोस्तों, AKV टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बनाना सीखेंगे हार्ट बीट सेंसर। ये सेंसर का आप डेमो देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हार्ट बीट सेंसर बनाने के लिए हमें चाहिए एक PCB, ठीक है। और PCB के साथ हमें चाहिए कुछ पार्ट्स जो मैं लगाता जाऊँगा और आपको ये पता चलता जाएगा। तो हमने एक PCB का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे लिया है LM358 एक IC, ठीक है। तो इस IC में देखिए यहाँ पे कट मार्क दिख रहा होगा, तो यहाँ ये इसे अपने तरफ साइड में करके यहाँ से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा दोस्तों। ये देखिए, ये एक नंबर पिन है और ये चार नंबर पिन है। अब पांचवा नंबर पिन है ये और आठ नंबर पिन ये है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है क्योंकि यहाँ से 1 से 3 तक कोई पिन जो है वो काम का नहीं है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर सेट करना है ताकि हमारा जो PCB में जगह जो है वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो हमने देखिए यहाँ पे इसे सेट किया है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए 47K का रेजिस्टेंस है, इसे हमें लगाना है पांच नंबर पिन में, ठीक है। पांच नंबर पिन में लगाकर इसे हमें ग्राउंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पांच है, तो हम यहाँ से लगाते हैं और इसे हम यहाँ पर ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये लाइन हम ग्राउंड का बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है और थोड़ा सा सटाकर ही लगाएंगे, एक एक पिन को छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। ये पांच नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो गया। अब हम छः नंबर पिन को 6.8 से ग्राउंड करेंगे। तो मैं अभी ले लेता हूँ, ये देखिए जो है दोस्तों हमारे पास 6.8K का रेजिस्टेंस है, इसे हमें 6 नंबर पिन से ग्राउंड करना है। तो 6 नंबर पिन हमारा ये रहा, तो हम यहाँ पे यहाँ से ग्राउंड करेंगे ताकि हमें जो है दो पिन में कुछ और काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये दो जो डॉट है इसमें दूसरा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है। अब दोस्तों हमें 6 नंबर पिन से 6 और 7 के बीच में एक हमें रेजिस्टेंस लगाना है दोस्तों। ये है देखिए 680K का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसे 6 और 7 के बीच में हम लगाएंगे। तो हमें जो है यहाँ से इस तरह से, ये देखिए 7 में हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 6 और 7 के बीच हमें एक PF भी लगाना है 104 का। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा 104 का PF है दोस्तों, इसे हमें 6 और 7 के बीच में लगाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये दोनों पिन में हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। जो भी मैं पार्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, वही वही पार्ट्स आपको लगाना है। अगर दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कुछ चेंज हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सोल्डिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 7 नंबर से आउटपुट निकालना है, यानी कि 7 नंबर हमारा जो है LED रहेगा, ठीक है। तो LED का जो देखिए यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा, LED में जो बड़ा वाला जो पॉइंट है वो हमारा माइनस है, ठीक है। और जो छोटा वाला पॉइंट आपको अंदर में दिख रहा होगा वो प्लस है। तो माइनस को हम ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और देखिए इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, LED लगने के बाद हम 7 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 150 ओम्स का, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 150 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 7 नंबर पिन से हमारा LED में जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव मैंने तो ग्राउंड कर दिया है, अब पॉजिटिव में हम यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस को लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी हमने सोल्डिंग कर दिया है, देख लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे IR सेंसर जो है और फोटो डायोड वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों फोटो डायोड को लगाने के लिए देखिए पॉजिटिव जो है ये हमारा कट मार्क जो है दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम देखिए 8 नंबर पिन से पॉजिटिव ले लेंगे, तो और नेगेटिव जो है हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर में हम इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। और IR जो ट्रांसमीटर दोस्तों है ये भी हमें यहीं पे लगाना है, क्योंकि दोनों एक ही जगह होना चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है।
तो इसका देखिए पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव उधर है, यानी कि नेगेटिव देखिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव हमारा दोनों को पिन नंबर 4 से ही मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये 10K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 10K से हम इस फोटो डायोड में वोल्टेज देंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है, ये 8 नंबर पिन से। तो 8 नंबर पिन में हम यहाँ पे इस तरह से ले जाएंगे और जोड़ देंगे 8 नंबर पिन में। और एक काम और करना है दोस्तों, हमें इस आईआर ट्रांसमीटर को भी वोल्टेज देना है, तो 8 नंबर पिन से ही देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आईआर ट्रांसमीटर के लिए 150 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वार्ड में 150 ओम का रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए हमने हाफ वार्ड का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, ठीक है, और इसे भी सप्लाई दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आईआर ये फोटो डायोड और रेजिस्टेंस जो 10K का हमने लगाया है उसके दोनों बीच में से एक जम्फर वायर हमने यहाँ पे लगाया है, और इसी जम्फर वायर से एक कैपेसिटर भी लगा दिया है दोस्तों 4.7 UF, ठीक है। लेकिन हमारे पास 4.7 UF नहीं था, तो हमने 2.2 UF का कैपेसिटर लगाया है। इसका माइनस सिरा जो है दोस्तों वो 5 नंबर से कनेक्ट किया है, और जो पॉजिटिव सिरा है दोस्तों उसे जम्फर के थ्रू फोटो डायोड और 10K का रेजिस्टेंस जो बीच में है वो बीच से इसका कनेक्शन किया है जम्फर के थ्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका आईसी का 4 नंबर पिन में नेगेटिव यानी कि ग्राउंड करेंगे, और आईसी का जो 8 नंबर पिन है उसे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो हम लोग कर लेते हैं, ग्राउंड हम यहाँ से ही ले लेंगे दोस्तों। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से ही हम 4 नंबर को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 4 नंबर पिन को हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। अब हमें सप्लाई देना है, एक हम यहाँ पे ग्राउंड में देंगे, ग्राउंड देंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे 8 नंबर पिन में सप्लाई देंगे, और इसे हम अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, इसमें ये देखिए चलाने के लिए दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ पे 7.5 वोल्ट का बैटरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमने एक चेंजिंग किया है, यहाँ पे जो हमने 150 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था वहाँ पे हमने 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसके ऊपर में हाथ रखेंगे तो यहाँ पे जो हार्ट बीट का जो रेट है दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया एलईडी, ये हमारे हार्ट बीट का जो ये है वो बता रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर में कोई मेटल का सामान रखेंगे दोस्तों तो ये जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरह से आप अंगूठे को रखेंगे तभी ये काम करेगा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।